हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नज़ारे केप ब्रिटेन के। अब जिनको नहीं पता हो कि केप ब्रिटेन जगह है क्या, तो आप ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि जैसे इंडिया का है नैनीताल, वैसे नोवा स्कोशिया का है केप ब्रिटेन। वैसे कुछ भी कह लो, कनाडा की ब्यूटी है तो कमाल की। हर एक सीन ऐसा था जैसे कैलेंडर में से वो सिंडी की फोटो उठा के कॉपी पेस्ट कर दियो। बिल्कुल क्यों बोला था ना मैंने, लग रही है ना एकदम मस्त सीनरी। तो रास्ते में हम खाने पीने के लिए रुके इस रेस्टोरेंट में। क्या करें, अब सुखदेव का ढाबा तो था नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ा। वैसे सच बताऊं तो यहाँ का खाना दिखने में जितना सुंदर, खाने में उतना ही उसका टेस्ट बेकार था। बस फिर वी वेर बैक ऑन आवर ट्रैक। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप, इजिप्ट फॉल्स। हमें लगा फॉल्स है तो फोटो वोटो खिंचा के चल लेंगे आगे, बट यहाँ आके पता चला फोटो खिंचाने के लिए भी तुम्हें पहले ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और वो भी खतरनाक वाली। और इतनी मेहनत करने के बाद दिखा क्या, ये छोटी सी फॉल्स। चलो जो भी था, फोटो वोटो खिंचाई और निकल लिए आगे। यह है केप ब्रिटेन का बहुत ही फेमस बीच, इंगोनिश बीच। इतना ट्रैवल करके रात को तो हालत हो गई थी खराब, शक्ल से तो पता लग ही रहा होगा। फिर हम पहुंचे सिडनी। यहाँ हमने 3-स्टार होटल में अपने रूम्स बुक करके रखे थे। रूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन भी थे। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के नज़ारे। फिर हम तैयार श्यार हुए और आए नीचे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, अब यहाँ इंडिया के जैसे सांभर इडली वड़ा थोड़ी मिलेंगे। ये था हमारा होटल का व्यू बाहर से। फिर हम गए वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिडल देखने। नहीं नहीं, ये क्रूज नहीं, हाँ वो जो दिख रहा है ना गिटार जैसा, वही है फिडल। तो ये है रिकॉर्डिंग सिडनी की मार्केट की। मार्केट में मोस्टली लोकल बिजनेस शॉप्स ही थी सारी, वही मसूरी की माल रोडी लग रही थी। फिर हमने देखा यहाँ पे है एक कैसीनो, तो हम पहुँचे वहाँ। बट यहाँ तो सब वीडियो गेम जैसा ही लग रहा था, कुछ समझ में तो आया नहीं, तो निकल लिए 5 मिनट के अंदर ही और पहुँचे फिर वाटर फ्रंट पे। इतना घूमने के बाद हमने सोचा कुछ देसी खाया जाए, तो पहुँचे इस रेस्टोरेंट में। फिर
तो बड़ी रेट्रो लुक का रेस्टोरेंट था ये। आधा घंटा खाने की वेट करने के बाद आया बढ़िया खाना। खाना वाना खा के हम निकल लिए वापस हैलिफैक्स के लिए, और ये थे कुछ मेसमराइजिंग नज़ारे। तो ये थी मेरी केप ब्रिटेन की ट्रिप। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।